उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन को लेकर राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने बीते दिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुलाकात की। जयंत चौधरी ने मुलाकात के बाद तस्वीरें भी साझा की और लिखा कि बढ़ते कदम। इसके बाद ही आपको बता दें, अखिलेश यादव ने भी अपने ट्विटर पर एक फोटो शेयर की। उन्होंने लिखा, फोटो के साथ श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक आज दोनों नेता गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सूत्रों ने बताया है कि जयंत चौधरी 50 सीटों की मांग कर रहे हैं और बातचीत के दौरान इन मांगों पर भी चर्चा हुई। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक आरएलडी को 30-35 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जाट बाहुल्य सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर समाजवादी प्रत्याशी होंगे। ऐसे में अखिलेश यादव कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि वो यूपी चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे। समाजवादी पार्टी सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनवादी पार्टी के संजय चौहान के साथ गठबंधन का पहले ही वो ऐलान कर चुकी हैं। ऐसे में जयंत चौधरी ने 19 नवंबर को कहा था कि इस महीने के अंत तक हम निर्णय लेंगे और एक साथ आएंगे। तो ऐसे में आप तस्वीर भी देख सकते हैं और इस तस्वीर से माना जा रहा है कि एसपी और आरएलजी में गठबंधन जो है वो तय है और आज इस गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों मुलायम सिंह का जन्मदिन भी मनाया गया था। उस दौरान ये कयास लगाए जा रहे थे कि चाचा शिवपाल के साथ कुछ बात अखिलेश की बन सकती है, लेकिन उस दिन तो कुछ नहीं हुआ। उसके एक दिन बाद जिस तरह से जयंत चौधरी के साथ मुलाकात अखिलेश ने की और उसके बाद एक के बाद ये जयंत ने भी तस्वीर शेयर की, अखिलेश ने भी शेयर की ये तस्वीर, उसके बाद कई कयास लगाए जाने लगे कि गठबंधन जो है वो तय हो चुका है और इसका आज या कल में ऐलान कर दिया जाएगा।